देखिए क्वेश्चन लिखा गया है कि 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, MNP, MNP, ठीक है, मेरे पास कुछ स्पेस है उसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करता हूँ। 8 पर्सन है आपके पास है, MNP, STV, X और Y आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ, मतलब सभी लोग क्या करते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं और सभी के सभी नॉर्थ में फेस करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे 8 आदमी है और कंडीशन क्या लिखा है, एन सीट है सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो यहाँ क्या होगा आप लोग ये कमेंट करके बताइए प्लीज, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग लाइव है या नहीं, ठीक है ना, 2 ही लोग लाइव है अभी फिलहाल। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे एन सीट है सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, सेकेंड फ्रॉम, मान लीजिए कि यहां से अगर हम लोग बैठाना शुरू करें तो एन यहां हो सकता है या यहां से बैठा है तो बाद में देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, एन यहाँ हो सकता है। एन सिट सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, ओनली 3 पर्सन बिटवीन एन और एम। तो सबसे पहले यहां से अगर दूसरे स्थान पे, तो एक दो 8 आदमी है तो 6 आदमी को इस साइड बैठा लेते हैं, क्योंकि हम लोग कंफर्म है कि 2 ही आदमी यहाँ पे है, क्योंकि अंतिम से एन दूसरे स्थान पे बैठा है। अब बोला गया यहाँ पे कि ओनली 3 पर्सन बिटवीन एम और एन, एम और एन के बीच में केवल 3 आदमी है, एम और एन के बीच में 1 2 3, एम और एन के बीच में केवल 3 आदमी है, तो 3 आदमी को हमने बैठा लिया, एम और एन के बीच में 3 आदमी है, 3 आदमी को बैठा लिया। पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, पी जो है सेकेंड टू द राइट ऑफ एम है, पी यहाँ पे हो सकता है, इस हिसाब से पी सेकेंड टू द राइट ऑफ एम हो जाएगा। उसके बाद एज मेनी पर्सन राइट ऑफ पी, मतलब एक भी आदमी नहीं है, एज द लेफ्ट ऑफ एस, मतलब पी के राइट में जितने आदमी है एस के लेफ्ट में उतने आदमी है, तो एक भी आदमी एस के लेफ्ट में नहीं होने वाले हैं। उसके बाद एग्जैक्टली 3 पर्सन सीट बिटवीन टी और एस है, टी और एस के बीच में 3 आदमी है, तो 1 2 3, टी यहाँ पे हो जाएगा, टी और एस के बीच में 3 आदमी हो जाएंगे, टी और एस के बीच में 3 आदमी हो जाएंगे, ठीक है, टी और एस के बीच में 3 आदमी हो जाएंगे, 3 पर्सन हो जाएंगे। टी डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड है, मतलब अंतिम में कहीं नहीं बैठ रहा है। वाई सिट ए इमीडिएट राइट ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे बैठा सकते हैं, राइट ऑफ एक्स बोला गया है, तो एक्स को यहाँ पे बैठा लीजिए, वाई को यहाँ पे बैठा लीजिए, एक आदमी कोई बच गया, एक आदमी कौन सा बच गया कमेंट करके बताइए। तो वी बच गया, यहाँ पे वी बच गया, ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग को दिख रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन दिख रहा है। अब पूछा है हु सिट ए थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी कौन बैठा हुआ, तो वी यहाँ पे बैठा हुआ है, 1 2 3, मतलब वाई, ऑप्शन में देखिए वाई दिया है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वाई वी के तीसरे लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन दोस्तों आसान था, तो पहला क्वेश्चन हमने बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा गया एक नंबर दिया गया है, इस क्वेश्चन को मैं छोटा भी कर दूंगा तो काम चल जाएगा क्योंकि आसान क्वेश्चन ही है। देखिए पूछा गया है कि इन चारों नंबर में से ऑड कौन सा है, तो देखिए क्या किया गया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, देखिए लिखा गया यहाँ पे, जैसे आप बाकी सब ऑप्शन को देखेंगे तो बन जाएगा, जैसे 17 को क्या किया गया है, 17 को डबल किया गया, 17 गुना में 2 माइनस में 10 कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, तो 17 से 24 इस तरह से लाया गया है। 22 से 34 क्या किया गया है, 22 को 2 से गुना करके 10 घटा दिया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और 11 को क्या किया गया, 11 को 2 से गुना करके क्या किया गया, 10 घटा दिया गया है, ठीक है, डबल से 10 घटा दिया गया है। बट 25 वाले में ये कंडीशन नहीं बैठेगा, 25 को अगर 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 10 घटाएंगे तो यह कहा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और आपको दिया कितना गया, 42 दिया गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब 25 क्या है, ऑड है, मतलब इस हिसाब से जो पहला ऑप्शन है ना वही आपका सही आंसर होगा, पहला ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को काफी कम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो हमने दोस्तों कितने क्वेश्चन देख लिए, हमने देख लिए 2 क्वेश्चन देख लिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखिए जूम किया हमने। अब यहाँ पूछा गया एक क्लास में, एक क्लास में क्या होता है कि इन ए क्लास इच स्कोर ए डिफरेंट रैंक, अलग अलग रैंक है,
अमन रैंक 11 फ्रॉम द टॉप है, निखिल रैंक 13 फ्रॉम द बॉटम हो गया। ओनली थ्री स्टूडेंट रैंक बिटवीन अमन और निखिल के बीच में केवल 3 स्टूडेंट है, तो आपको बताना है टोटल कितने स्टूडेंट है। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, टॉप का 11, बॉटम का 13 और इनके बीच में 3 स्टूडेंट है, टोटल 27 स्टूडेंट हो जाएंगे। अंतिम में पूछा है वही नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि 3 से डिविजिबल हो, तो हमने 27 सही निकाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिएगा, पूछा गया है कि कुछ कोड दिया गया है, उसको क्या करना है, डिकोड करना और बताना है कि क्या आंसर होगा। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, मेरे पास यहाँ कुछ मिटाने के लिए भी नहीं है, मैं देखता हूँ कुछ है डस्टर। चलिए ये क्वेश्चन को हमने हटा दिया यहां से, ठीक है। अब देखिए CENSUME, ठीक है, इसका कोड क्या दिया हुआ है, CEMNNNNNOSU, ठीक है। अब इसका कोड अगर देखें तो 3, 5, 14, 19, 21 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे 5, बट इसका अगर देखेंगे जो कोड किया गया, इसी अक्षर को कोड किया गया है, 3, 5, 13, 14, 15, 19 और 21, ये कौन से ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये जो कोड आप देख रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो आपका आंसर बन गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही देखना है। तो जैसे ऑप्शन आप देखिएगा, इंग्लिश है, इंग्लिश का कोड आपको निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ऑप्शन नंबर 2 में आप चेक कीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ ऑप्शन नंबर 2। ई का कोड कितना होता है, 5 होता है, 5 लिख लिया हमने। उसके बाद जी का कोड कितना होता है, 7 होता है, 7 लिख लिया हमने। उसके बाद एच का कोड कितना होता है, 8 होता है, 8 लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे आई का कोड कितना होता है, 9 होता है, एल का कोड 12 होता है, एन का कोड 14 होता है, ठीक है, एन का कोड 14, एस का कोड 19 होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 6 पीपल ए बी सी डी ई एंड एफ, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, डी टॉलर देन ई, ए और ई, ए और ई से क्या है, मतलब 6 आदमी है, उनमें से कोई लंबा है, किसी से लंबा है, तो ये बताया गया है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, बोला गया है डी टॉलर देन ए और ई, तो यहाँ पे हम बनाए कि नीचे बनाए, ऊपर ही बनाते हैं, डी टॉलर देन, मतलब मान लीजिए कि डी इज टॉलर देन, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है डी टॉलर देन ए और ई, तो ये हम लोग पहले लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके हमने लिख लिया। उसके बाद डी टॉलर देन ए और ई, डी टॉलर देन ए और ई, एफ टॉलर देन बी और सी, एफ जो है बी और सी से टॉलर है, ठीक है, एफ जो है बी और सी से टॉलर है, ई टॉलर देन एफ, ई टॉलर देन एफ, दिख रहा है ना, ई टॉलर देन एफ, ई टॉलर देन एफ, ई टॉलर देन एफ, ई टॉलर देन एफ, ये भी हमने लिख लिया, ई टॉलर देन ए, ई जे टॉलर देन एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी शॉर्टेस्ट। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा छोटा नहीं होगा। चलिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, रीजनिंग के पीडीएफ के लिए, मैथ्स के पीडीएफ के लिए, मैथ्स के दोनों शिफ्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने हाइट को बना दिया, ठीक है, ए डी जो है ए और ई से दोनों से लंबा है, एफ जो है बी और सी से लंबा है, ई एफ से लंबा है और ए एफ से लंबा है। अब इन सबको मिलाने का बारी आया, तो इन सबको आप मिलाए कैसे,
तो ये ध्यान से देखिएगा मिलाना कैसे है। तो नीचे मिलाते हैं, हमारे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिख रहा होगा, इतना दूर आपको दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद 6 आदमी को यहाँ पे अरेंज कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ हम लोग को गेस करना होगा, यहाँ हम लोग को गेस क्या करना होगा, ए जो है, डी जो है अभी तक सबसे लंबा मिला हम लोग को, इसमें से डी जो है सबसे लंबा मिला, तो मान के चलते हैं कि डी ही लंबा होगा, ठीक है। मान के अभी चलते हैं कि डी लंबा होगा, थोड़ा ऊपर लिख रहा होगा मुझे, अभी यहाँ पे दिखेगा डी ही लंबा होगा, अभी दिख रहा है डी, हाँ डी अभी दिख रहा है, डी ही लंबा होगा मान लिया हमने। अब डी ए और ई दोनों से लंबा है, बट ई एफ से लंबा है, ई एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है, ए एफ से लंबा है, ए और ई के बारे में कोई क्लियर नहीं है कि ए और ई के बारे में क्या होगा, ठीक है। ए और ई के बारे में कुछ क्लियर नहीं है। एफ बी और सी से लंबा है, एफ बी और सी से लंबा है, एफ बी और सी से लंबा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि बी और सी यहाँ पे हो जाएगा, मान लीजिए कि अभी क्रम यही मानते हैं, अभी हम लोग को नहीं पता है कि बी और सी का क्रम क्या होगा, अभी आप लोग को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, तो बी और सी अभी दिख रहा है, ठीक है। बी और सी को चलिए यहाँ मान लिया हमने, ठीक है। अभी भी शायद सही से नहीं दिख रहा है, शायद मुझे लगता है कि कैमरा को थोड़ा सा नीचे किया जा सकता है। अच्छा मैं थोड़ा ऊपर बनाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, और क्वेश्चन को हाइड कर दूँ तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, अब हमारे पास प्रॉपर स्पेस हो गया, अब हम 6 आदमी को अरेंज कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सब मैंने लिख दिया है, मान लिया कि डी सबसे लंबा हो जाएगा, डी सबसे लंबा हो जाएगा, बी और सी अंतिम में मान लेते हैं क्योंकि एफ उनसे लंबा है, तो एफ को यहाँ मान लेते हैं, ई एफ से लंबा है, ई या तो यहाँ होगा और ए या तो यहाँ हो सकता है, ई और ए में डाउट है, बी और सी में डाउट है, ठीक है। ये दोनों में अभी डाउट है हम लोग को, और किसी में डाउट है, ए को हमने बैठा लिया, ए डी और ई से, डी जो है ए और ई से लंबा है तो सही है, इसको टिक लगा लीजिए, बी नहीं एफ बी और सी से लंबा है, ये भी हमने सही से पुट किया, इसको भी टिक लगा लिया, ई एफ से लंबा है, ई दोनों कंडीशन में एफ से लंबा होगा तो ये भी टिक लगा लिया, ए एफ से लंबा है तो दोनों कंडीशन में ए एफ से लंबा होगा। तो अब हमें ये डाउट है कि ई होगा पहले या ए पहले होगा, बी होगा पहले या सी पहले होगा, यह डाउट है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, फिर से हम लेके आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पर्सन कौन सा हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट पर्सन देखिए, फिगर को मैं फिर से दिखाता हूँ शॉर्टेस्ट पर्सन के लिए। तो फिगर में आप देखेंगे तो बी और सी जो है ना सबसे छोटे आदमी है, तो या तो बी होगा, या तो बी होगा या फिर सी होगा, क्वेश्चन आपने देख लिया, आप लोगों को समझ में आ गया। ये जो रैंकिंग टेस्ट दिया था थोड़ा मुश्किल मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन को, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया है कि 8 पर्सन के एल एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग सिटेड इन ए सर्कल फेसिंग सेंटर, मतलब सर्कुलर टेबल पे बैठा है जो कि फेसिंग सेंटर किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को हटा देते हैं हम यहाँ पे, और हमारे पास स्पेस ऊपर में है तो हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं ऊपर में, ये सर्कल आपको दिख रहा है, तो सर्कल नीचे बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। ये एक बाउंड्री हम ले लेते हैं, यहाँ पे नीचे सर्कल बना लेते हैं, अभी दिख रहा है, थोड़ा सा दिक्कत है क्वेश्चन को, थोड़ा मुझे नीचे ले जाना होगा, अब ठीक है, अब प्रॉपर स्पेस हमारे पास हो गया, अब यहाँ पे हम अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये सर्कल अभी दिख रहा है, अब यहाँ पूछा है 8 पर्सन है तो 8 आदमी को बैठा लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आदमी को बैठा लिया हमने, ठीक है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन अराउंड ए सर्कुलर टेबल ऑल ऑफ फेसिंग सेंटर एंड इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ है एल और क्यू, कहाँ पे डेटा लिखे, यहाँ पे लिखते हैं एन, एल और क्यू का क्या है, पड़ोसी है, तो इस तरह से लिख लिए एन एल और क्यू का पड़ोसी है, ठीक है। तो ये चीज हमने लिखा, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ एल एंड क्यू, पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ के एंड आर, पी के और आर का पड़ोसी है, ये भी हमने लिख लिया। उसके बाद है यहाँ पे पी इज इमीडिएट के एंड आर, ओ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, ओ सेकेंड राइट ऑफ के, ठीक है, ओ सेकेंड राइट ऑफ के, ये हमने लिख लिया, ओ सेकेंड राइट
ओ सेकेंड राइट ऑफ के, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, उसके बाद एम का पोजीशन शायद पूछा है, तो इतना आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे किसको बैठाया हम लोग पहले, यहाँ पे ओ सेकेंड राइट ऑफ के को बैठा लीजिए, राइट जाना है, सेकेंड राइट यहाँ पे हो जाएगा 1 2, इस साइड राइट होता है, इस साइड लेफ्ट होता है, के पी आर, मतलब पी यहाँ बैठेगा नहीं, पी यहाँ पे बैठेगा, आर यहाँ पे बैठेगा, के पी आर हो गया, एक साथ होंगे, ठीक है। उसके बाद एल एन क्यू, एन यहाँ पे, एल और क्यू, ये दोनों में डाउट है अभी, ये दोनों कहाँ बैठेंगे वो हम लोग को नहीं पता है, बट इन दोनों में डाउट है। एल और क्यू को अभी सर्कल कर देते हैं क्योंकि ये दोनों का कंफर्म पोजीशन हम लोग को नहीं पता है, बट एक आदमी बच गया एम, एम यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। अब पूछा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली ट्रू अबाउट एम, एम जो है एग्जैक्टली के और ओ के बीच में, एग्जैक्टली किसके बीच में, के और ओ के बीच में है, तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन दिया है पहले नंबर पे, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कोड ऑफ द लैंग्वेज, काउंट का कोड क्या बताना है, तो काउंट का कोड आपको बताना है, तो ध्यान से देखिएगा काउंट का कोड कैसे निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा किया जा सकता है, तो हम छोटा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, अभी भी आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन अच्छे से, ठीक है। देखिएगा काउंट का कोड कैसे निकालेंगे, दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए क्योंकि हर एक क्लास को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत होता है, ठीक है ना। देखिएगा काउंट को निकालना है इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, गुड, सबसे पहले क्या कीजिए, जो ज्यादा कॉमन है ना उसको निकाल लीजिए आप, सबसे पहले देखेंगे काउंट कहाँ पे है, काउंट तीसरे वाले के पास है, तो तीसरे वाले में ऑल योर डिड है, तो इन चीजों का कोड पहले निकालने का कोशिश कीजिए। तो इसमें सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हैं, डिड का कोड निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कीजिए, डिड का कोड निकालिए, डी डिड डिड्स का कोड निकालिए, तो डिड से किसके किसके पास है, पहले के पास है, तीसरे के पास है, तो पहले और तीसरे में देखिए कॉमन क्या है, तो पहले और तीसरे तीसरे में कॉमन है टी आर, तो टी आर तो नहीं होगा काउंट का कोड, इसको निकाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑल और योर, ऑल और योर, तो ऑल किसके किसके पास है, पहले दूसरे और तीसरे के पास है, तो ऑल का कोड क्या दिख रहा है, ऑल का कोड ओडी दिख रहा है, तो ओडी और ऑल दूसरे और तीसरे में कॉमन है, तो ओडी हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बज गया, योर बज गया, तो योर और काउंट नहीं नहीं पता, योर और काउंट किसी और में नहीं है, तो योर और काउंट के अलावा मतलब टी आर और ओडी के अलावा जो बच गया वही आपका आंसर होगा, तो टी आर और ओडी के अलावा क्या बच रहा है, एस एन और यू एम बच रहा है, क्या बच रहा है, एस एन बचेगा और यू एम बचेगा, तो ये दोनों में से ही कोई एक कोड हो जाएगा, तो आइदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा इसका सही आंसर है, और आइदर कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, तो क्वेश्चन अगर आप सही से बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, क्वेश्चन अगर आप ट्रिक से नहीं बनाएंगे, आप डायरेक्टली सबका कोड निकालने बैठ जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से सोच के दिमाग को शांत रख के बनाना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन को थोड़ा जूम करना होगा क्योंकि बहुत छोटा हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी दिख रहा होगा, अभी आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, और थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे आपको, अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। देखिएगा क्या पूछा गया है कि राकेश रैंक 60 फ्रॉम द टॉप है और बॉटम से होता है 21, इफ ओनली 21 स्टूडेंट पास एग्जाम में करते हैं तो फेल कितने होते हैं, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, तो राकेश का टॉप और बॉटम का रैंक है 16 प्लस में 21, ऐड कर दीजिए 37, उसमें से एक घटा दीजिए तो 36 विद्यार्थी है क्लास में, ठीक है, ये निकल गया, 36 में से 21 पास करते हैं तो बच गए कितने फेल होने वाले, 21 पास करेंगे तो फेल कितने करेंगे, 15 फेल करेंगे, बन गया और कुछ करना ही नहीं था, तो 15 यहाँ पे फेल कर जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है जी एम पी वी जेड डी आर सिक्स मेंबर ऑफ ए फैमिली, जेड इज द सन ऑफ ए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि छह आदमी है फैमिली में, जेड इज द सन ऑफ बी,
तो वी का जो बच्चा है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, वी का जो सन है उसका नाम क्या है, जेड। तो यहाँ प्लस का साइन दे दीजिए, ठीक है। जेड इज द सन ऑफ बी, एम इज द ब्रदर ऑफ बी। एम जो है बी का भाई है, एम जो है बी का भाई है। साइन सबका देते जाइए, प्लस मेल फीमेल साइन देते जाइएगा, बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। एम इज द ब्रदर ऑफ बी, डी एंड बी आर मैरिड कपल। डी का जो शादी हुआ है बी के साथ हुआ है, डी और बी आर मैरिड कपल। पी इज डाउटा ऑफ डी, पी इज डाउटा ऑफ डी, पी इज डाउटा ऑफ डी। पी इज ए डी की बेटी है, पी जो है वो डी की बेटी है। ऐसे करके हमने माइनस कर दिया। और उसके बाद डी सिस्टर ऑफ जी, जो डी जो है वो फीमेल है और जी की बहन है, ये मेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पे जेड इज जेड रिलेटेड टू पी, जेड का संबंध है पी के साथ क्या है, तो ब्रदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। मैंने गलती से सिस्टर लगा दिया था, मैंने उल्टा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, तो ये आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ब्रदर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के बनाइएगा, फिगर सही भी बनने के बाद है, कभी कभी जल्दबाजी में क्या होता है, गलती हो जाता है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। इफ यहाँ एक अल्फा न्यूमरिकल और सिंबॉलिक सीरीज दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है इफ ऑल द नंबर आर ड्रॉप फ्रॉम द सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एट फ्रॉम द राइट। एट फ्रॉम द राइट, अगर आप ऑल दी नंबर्स को ड्रॉप कर देते हैं तो काउंट कीजिए राइट साइड से, राइट और लेफ्ट आपको दिया गया है, राइट साइड से काउंट कीजिएगा, नंबर को छोड़ के काउंट कीजिएगा, तो आपका सही आंसर एम आ जाएगा। तो इसमें कुछ करना नहीं है, केवल काउंट करके बता देना है। आगे 8 पर्सन आर, ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है। 8 पर्सन आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑल ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे ई सिट है फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए, हम स्पेस लेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, और क्वेश्चन को नीचे भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा 8 आदमी है, एक लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आदमी को बैठा लीजिए सबसे पहले। तो उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि ई इज फोर्थ फ्रॉम द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब यहां से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, ई या तो यहां पे होगा, 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम मतलब 8 आदमी को बैठा है ना, 3 4 3 7। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ई जो है 5वें नंबर, चौथे नंबर पे है, और यहां से काउंट करेंगे तो यहाँ पे ई चौथे नंबर पे होगा। दोनों साइड से बैठा रहे हैं हम लोग, ई इज फोर्थ फ्रॉम दी वन ऑफ द एक्सट्रीम लाइन हो जाएगा। एच इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ ई, थर्ड टू द राइट ऑफ ई मतलब 1 2 3, थर्ड राइट ऑफ ई, और यहाँ पे काउंट करेंगे तो 1 2 3, थर्ड राइट ऑफ ई, ठीक है, ये हमने बैठा लिया। आगे राइट ऑफ एच, नहीं क्या लिखा है, एज मेनी पीपल सिटे टू द राइट ऑफ एच एज ए लेफ्ट ऑफ एम। एच के राइट जितना आदमी बैठा है उतना ही एम के लेफ्ट बैठा है, तो एम मान लीजिए यहाँ पे होगा इस पोजीशन के हिसाब से, या फिर यहाँ होगा एम, ठीक है, दोनों में से कोई एक सही होगा। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एम और पी, एम और पी के बीच में केवल एक आदमी है, एम और पी के बीच में केवल एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, एम और पी के बीच में एक आदमी है मतलब ये गलत हो गया, एम और पी के बीच में केवल एक आदमी है। एस सेट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, एस सेट इमीडिएट राइट ऑफ जेड, तो जेड के राइट में एस बैठा है, जेड के राइट में एस बैठा है, एस से, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये दोनों आप लोग बैठा लेंगे बाद में, जेड और एस को एक साथ कहीं बैठा लेंगे, तो यहां तो बैठेगा नहीं, यहां नहीं बैठेगा, ये पे बैठेगा, ठीक है, ऐसे बैठा लिया हमने। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन जेड और टी, जेड और टी के बीच में एक आदमी है, तो टी को यहाँ बैठा लीजिए। अब एक आदमी कोई बच गया, तो एक आदमी कोई बच गया उसका नाम वाई है।
अब हम लोग से पूछा है हाउ मेनी पीपल सिट लेफ्ट ऑफ वाई, वाई के लेफ्ट में केवल एक आदमी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आसान क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे देखिएगा, आगे दोस्तों ये क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको कि कोड निकालना है, तो यहाँ भी आप देखेंगे ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, जैसे आर जैसे टी 20 होता है, एस 19 होता है, आर 18 होता है, ओ 15 होता है, एन 14 होता है, एल एल 12 होता है, आई 9 होता है। उसी तरह से कोडिंग यहाँ भी किया गया है। जो ऑप्शन नंबर 4 है उसको ध्यान दीजिएगा, यू का 21 होता है, टी का 20 होता है, एस का 19 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है, एन का 14 होता है, एल का 12 होता है, एन का 9 होता है, ई का 5 होता है, सी का 3 होता है, ए का 1 होता है। तो मतलब ये एक सीक्वेंस में लिखा गया, घटते क्रम में लिखा गया इस कोड को, ठीक है। तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में दिया गया और कुछ नहीं दिया गया यहाँ पे, और कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे म्यूजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको कोड को लिखना है। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें कोडिंग आपको करना पड़ जाएगा, इसमें कुछ अलग तरीके से इसमें कोड दिया गया है, तो ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पे मैं एक कोड लिख के दिखाता हूं, जैसे म्यूजिक का कोड लिखा गया है, एम का 13 होता है, यू का 21 होता है, एस का 19 होता है, आई का 9 होता है, इसका 3 होता है, इसका कोड क्या लिखा गया है, इसका कोड लिखा गया है एल टी टी जेड और डी, 12 20 20 10 और 4, ठीक है, ये कोड लिखा गया है। अब यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पे एक ही घटा, यहाँ पे ये एक घटा, यहां से बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये तीनों क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इस तरह से चला है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है सिंगिंग का कोड पूछा है, सिंगिंग का कोड, तो सिंगिंग के कोड के लिए हम लिखते हैं एस आई एन जी आई एन जी, यही होता है सिंगिंग का स्पेलिंग, यही होता है। यहाँ 19 हो गया, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 14 हो गया और यहाँ 7 हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे ये तीनों में एक घटेगा, तो 18 8 और 13, बाकी चार में बढ़ेगा, तो 8 11 15 8, तो 18 मतलब R, 8 मतलब G H, 13 मतलब क्या हो जाएगा M N O, नहीं M हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, ठीक है, सही जा रहे हैं। I का 9 होता है, मैंने 10 लिखा है, J 15 मतलब O फिर H, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, नहीं 2 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो 13 क्वेश्चन दोस्तों देख लिया, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन में दोस्तों देखिएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे करता हूँ, आप लोग आराम से इस कोड को पकड़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ क्या लिखा गया, सी एफ ओ एफ एन एल, ठीक है, एफ एल पी आई ओ एम। मैं 2 को बताता हूं, जैसे ये 3 होता है, ये 6 होता है, ये 15 होता है, ये कितना होता है, 6 होता है, ये 14 होता है, क्या एन 14 होता है, ये 12 होता है, यही होता है ना, देख लीजिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, यहाँ पे के लिखा गया है, के मतलब 11 होता है, यहाँ पे और यहाँ पे 3 3 बढ़ा, मतलब यहाँ पे +3 हो गया, यहाँ पे केवल क्या हो गया, -3 हो गया। तो जो हम लोग का कोड बनेगा इसी तरह से बनेगा, कोड क्या बनेगा, कोड जो बनेगा मतलब हम लोग से पूछा गया है डी पी क्यू का पूछा गया है, तो 4 होता है, 16 होता है और 17 होता है, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 का मतलब 7 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 3 घटेगा तो 14 हो जाएगा, मतलब जी
एस और एन हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज सी देयर ड्रेसेज, मतलब अलग अलग कोड दिया गया, आपको क्या बताना है कि पार्टी ड्रेस का कोड क्या होगा। तो आपको पार्टी और ड्रेस का कोड देखना है, तो सबसे पहले देखिएगा ड्रेस पहले वाले के पास है और सी देयर देखना है, सी देयर का काम नहीं है तो सी देयर देखे तो कहीं और भी है, तो सी देयर आपको चौथे वाले तीसरे वाले के पास देखने को मिलेगा। तो सी देयर का कोड क्या हो जाएगा, सी देयर का कोड हो जाएगा वीई एस यू हो जाएगा। ठीक है, वीई एस यू हो जाएगा, तो वीई एस यू हो जाएगा मतलब ड्रेस का कोड हमने निकाल लिया। तो ड्रेस का कोड हमने क्या निकाल लिया, ड्रेस का कोड हमने निकाल लिया यहाँ पे, ड्रेस का कोड हमने इस हिसाब से निकाल लिया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रेस का कोड हो जाएगा टी आई हो जाएगा, टी आई स्वतंत्र बच गया मतलब अकेला बच गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सी देर हो गया, उसके बाद वी निकालना, तो वी सेकेंड और थर्ड के पास है तो सेकेंड और थर्ड में वी हो जाएगा, तो वी का कोड क्या हो जाएगा, वी का कोड क्या हो जाएगा एनएक्स हो जाएगा। ठीक है, वी का कोड क्या हो जाएगा एनएक्स हो जाएगा, वी का कोड क्या हो जाएगा एनएक्स हो जाएगा, क्योंकि एनएक्स सेकेंड और थर्ड में कॉमन है। उसके बाद क्या बच गया, इसके बाद केवल बच गया पार्टी, तो पार्टी का कोड क्या हो जाएगा एफ एस हो जाएगा, पार्टी का कोड क्या हो जाएगा, पार्टी का कोड हो जाएगा एफ एस है, और टी आई हो जाएगा, टी आई जो कोड हो जाएगा ड्रेस का कोड हो जाएगा, तो एफ एस टी आई हो जाएगा आपका सही आंसर है, एफ एस टी आई। मैं आपको दिखा भी देता हूँ सही आंसर क्या दिया हुआ है, तो सही आंसर आप देखिए ऑप्शन नंबर चार में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, पूरा आपको नहीं निकालना है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन को, मैं थोड़ा जूम में करूंगा क्योंकि आपको नहीं दिखेगा ये क्वेश्चन, अभी दिख रहा होगा। क्वेश्चन पूछा गया कि एक आदमी है एक मंदिर जाता है, फेस करता है वेस्ट की ओर, एक आदमी है फेस करता है वेस्ट की ओर, तो इस चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, कैसे फेस करता है वेस्ट की ओर फेस करता है। ठीक है, ऐसे बना लीजिए डायरेक्शन, वेस्ट इस साइड हो गया, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, वेस्ट की ओर फेस करता है और पहले वो 45 डिग्री मूव करता है क्लॉकवाइज और दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 45 45 क्या हो जाएगा कट जाएगा क्योंकि दो बार वो 45 डिग्री मूव करता है। अंतिम एक बार बोला गया कि देन अनदर 180 डिग्री, मतलब सीधा इसका 180 डिग्री अपोजिट निकाल लीजिए, मतलब ये अभी इसका जो फेस हो जाएगा ईस्ट की ओर हो जाएगा, तो ये बन गया ईस्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे 8 पर्सन आर सिटिंग, 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल फॉर डिनर इन सच ए वे। ठीक है, यहाँ देखिएगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा अपने लिए स्पेस ले लेते हैं, नीचे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब स्पेस हमारे पास है, स्क्वायर टेबल पे ये डिनर करते हैं। ठीक है, मान लीजिए स्क्वायर टेबल इस तरह से कुछ हमने बना लिया, अब कुछ है, चार आदमी बीच में बैठे हैं, चार आदमी बीच में है, चार आदमी किनारे बैठे हैं, चार आदमी बीच में है, चार आदमी किनारे बैठे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर एस सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, एस जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, एस लेफ्ट ऑफ यू। ठीक है, एस सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू सेट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी, यू जो है लेफ्ट ऑफ टी, ये मैंने लिख लिया, टी हो गया। उसके बाद यहाँ टी सिट मिड पोजीशन ऑफ द टेबल, टी मान लीजिए यहाँ पे बैठा है मिड पोजीशन ऑफ द टेबल, मान लीजिए कि टी बीच में कहीं बैठा हुआ है, तो यू कहाँ बैठेगा, जैसे उसके लेफ्ट में, और यू के लेफ्ट में एस बैठेगा, तो ये तीनों को हमने बैठा लिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल ऑफ देम फेसिंग सेंटर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ द टेबल साइड हो जाएगा, आर सिट थर्ड टू द राइट ऑफ यू, थर्ड टू द राइट ऑफ यू मतलब 1 2 3 आर यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड टू द राइट ऑफ यू आर, ठीक है, थर्ड टू द राइट ऑफ यू हो जाएगा। पी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड आर, वी और आर का पड़ोसी है पी, मतलब वी और आर का पड़ोसी बीच में बैठेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब और कुछ बोला गया यहाँ पे देख लेते हैं, और कुछ बोला गया था, उसके बाद यहाँ पे आर सेटेड थर्ड टू द राइट ऑफ यू, पी इज इमीडिएट बी एंड आर, डब्ल्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ टी, डब्ल्यू जो है टी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू जो है वो टी का पड़ोसी नहीं है,
मतलब W यहाँ पे बैठेगा और Q यहाँ पे बैठेगा, तो Q यहाँ पे बैठेगा, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग सिटिंग एट ए वन ऑफ द कॉर्नर, कॉर्नर में कौन बैठा है, तो क्यू होगा इसका सही आंसर, क्यू होगा सही आंसर, क्यू देखिए कॉर्नर में बैठा हुआ है, ठीक है इन सभी में। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हमने बना लिया दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे क्या पूछा गया है, समिता बर्थडे वॉज 15 मार्च, 15 मार्च को समिता का बर्थडे होता है जो कि संडे था, और 31 मई 2020 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, जनवरी जनवरी होता है कितने दिन का, जनवरी होता है 31 दिन का, तो 15 दिन तो बीत गया, तो 16 दिन बचा जनवरी के पास, जनवरी के पास 16 दिन, अगला महीना जो होता है जनवरी नहीं मार्च होता है 31 दिन का, तो 16 दिन बचा मार्च में, अप्रैल में 30 दिन होता है, और फिर मई 31 दिन का हो गया, 31 तारीख तक जाना, तो 31 तारीख ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 77, 77/2 7 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा शेषफल। अब संडे में 0 ऐड कीजिएगा तो संडे होगा, संडे के उतने दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो 0 डेज आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, संडे ही होगा, ठीक है क्या होगा, संडे ही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, और डेज के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे दोस्तों देखिएगा अगले क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने बना लिया, अगला क्वेश्चन है रैंकिंग का, रैंकिंग का है, 6 पर्सन CDEXYZ आर इच ऑफ डिफरेंट एज है, ओनली 1 पर्सन इज यंगर देन वाई, केवल एक आदमी वाई से यंगर है, केवल एक आदमी वाई से यंगर है, ठीक है वाई से यंगर केवल एक आदमी है, तो हम लोग 6 आदमी को बैठा लेते हैं, इसका मतलब आप कैसे भी बना लीजिएगा, ऐसे भी बना लीजिएगा, 6 5 4 3 2 1 ऐसे भी करके बना सकते हैं, ठीक है मैं क्वेश्चन को थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, या फिर जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वाई से यंगर केवल एक आदमी है, तो वाई मतलब सबसे छोटा होगा, तो वाई यहाँ पे होगा, वाई दो कंडीशन मान लीजिए, वाई यहाँ पे होगा, वाई से यंगर केवल एक आदमी है, ठीक है, ओनली ओनली 1 पर्सन इज यंगर देन वाई, एक्स इज ओल्डर देन ई, अब यहाँ पे लिख लीजिए एक्स इज ओल्डर देन ई, मतलब एक्स ई से पहले है, ठीक है ये मैंने लिख लिया एक्स ई से पहले है, एक्स इज ओल्डर देन ई, ठीक है उसके बाद एक्स इज ए ओल्डर देन ई बट यंगर देन डी, बट यंगर देन डी, डी से डी एक्स से पहले है, ठीक है जो सबसे ज्यादा ईज का होगा वो सबसे ऊपर होगा, तो डी एक्स ई, उसके बाद यहाँ देखेंगे ई इज ओल्डर देन वाई, ई जो है वाई से ओल्डर है, ई जो है वाई से ओल्डर है, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा, और उसके बाद नाइदर डी और नॉट सी ओल्डेस्ट, मतलब डी ओल्डेस्ट नहीं है, मतलब 6 पे नहीं बैठा है, तो डी मान लीजिए यहाँ पे बैठा हुआ डी 5 पे, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, और यहाँ पे डी और कौन सा डी और सी, तो सी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है और यहाँ पे क्या हो सकता है जो बच गया, कौन सा बच गया, जेड बच गया, तो यहाँ पे हम जेड को बैठा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी पीपल आर ओल्डर देन जेड, जेड से ओल्डर कितने हैं, तो जेड से ओल्डर एक भी नहीं है, नन हो जाएगा, क्या हो जाएगा नन हो जाएगा, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कि जेड से एज में ज्यादा है। आगे देखिए, आगे दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको क्या करना है कि कोड को सॉल्व करना है, मतलब कोड को देखना है कि क्या कोड होगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है सभी आसान क्वेश्चन है, केवल आपको दिमाग शांत रखना है एग्जाम में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एम डी टी पी ए डब्लू, उसके बाद यहाँ पे आर एफ क्यू, उसके बाद यहाँ पे यू सी टी, उसके बाद यहाँ पे एल एस के, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए 13 4 20 16 1 23, ठीक है मतलब यहाँ पे 3 प्लस 3 ये दिख रहा है, +3 यहाँ पे, -3 और यहाँ पे +3, इसी तरह से आगे चलते हैं हम लोग,
तो 12, 19 और के प्लस 3 मतलब 15, माइनस 3 मतलब 16 और 11 हो जाता है, 11 3 14। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, एन हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? ओ पी एन पहले ऑप्शन में लिखा गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे लिखिएगा। आगे पूछा गया है कि आपको बताना है, कंक्लूजन आपको बताना है इनके आधार पे कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी लेस देन इक्वल टू में डब्ल्यू, तो टी लेस देन जाएंगे तो टी के बाद लेस देन का साइन है, इक्वल टू का साइन है, फिर लेस देन इक्वल टू का साइन है, डब्ल्यू तक पहुंच गए, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, तो पहला वाला तो कंफर्म सही होगा। अब सी से जाएंगे, सी से एम तक जाना है, तो सी के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू है और उसके बाद लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये साइन ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू मिसमैच कर गया, टकरा गया, तो ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तो ओनली वन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों साइन आपस में टकरा गए दूसरे कंडीशन में, ये गलत हो जाएगा, दूसरा वाला ओनली वन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। मैं आपको दिखाता हूँ ओनली वन कहीं लिखा होगा, देखिए ओनली कंक्लूजन वन इज ट्रू। ठीक है, आगे दोस्तों देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये सिमिलरिज्म का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम छोटा भी कर सकते हैं, देखिएगा ऐसे हटाइए, अगला क्वेश्चन बनाइए। क्या पूछा गया, सम एथलीट आर बिजनेसमैन, एथलीट बिजनेसमैन, ऑल बिजनेस आर रिच, ऑल बिजनेसमैन आर रिच, सम एथलीट आर रिच, एथलीट यहां पे रिच, यहां पे ये सही हो जाएगा, नो एथलीट इज रिच, एथलीट यहां पे रिच यहां पे है, तो मेरे हिसाब से ओनली वन होगा और आंसर भी आपको ओनली वन दिया हुआ है। ठीक है, तो सही है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ कोड आपको बताना है कि कोड क्या होगा, अल्फाबेट कोड है, तो ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को बनाने का, मतलब सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम छोटा कर सकते हैं और भी छोटा कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा इस चीज को तो पहले हटा दीजिए यहां से, यहां पे लिखा गया ए आर, क्या लिखा गया है, ए यू आर टी बी डब्ल्यू एस वी सी वाई टी एक्स, ये कोड आप लोग ये लिखना नहीं है, केवल कोड को आप लिख सकते हैं एग्जाम में, एक 21, 18, 20, 2, 23, 19, 22, कोड को देखे तो 1 से 2 हो गया, 21 से 2 हो गया, मतलब पहले प्लस 1 फिर प्लस 2 फिर प्लस 1 फिर प्लस 2, तो ऐसे करके जा रहा है 3, 25, 20 और 24, प्लस 1 मतलब 4, 27 और प्लस 1 मतलब 21, प्लस 2 मतलब 26, तो इस हिसाब से हम लोग का जो कोड होना चाहिए 4, 27 ये सब का, तो क्वेश्चन को इस साइड हम लोग ले जाए, हाँ ले जाते हैं इस साइड, तो इस हिसाब से जो कोड होना चाहिए 4 का कोड हो जाएगा डी, 27 मतलब ए, 21 मतलब क्या होता है यू और जेड हो जाएगा, तो डी ए यू जेड, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और आसानी से बनाया है। चलिए आगे देखेंगे, इस क्वेश्चन को जूम करना होगा और थोड़ा सा जूम होगा। चलिए, 6 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, मैं देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हटाइए। ठीक है, सर्कल बनाइए, 6 आदमी को बैठाना है, ऐसे ऐसे करके हमने बैठा लिया 6 आदमी को, और यहाँ पे बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ई को मान लीजिए यहाँ बैठा लिए, बी यहाँ पे बैठेगा, सेकेंड राइट जाना है तो इस साइड जाते हैं ऊपर के साइड, तो उसके बाद सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, तो सी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, सी यहाँ पे जाएगा ई, एफ सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकेंड राइट में बैठेगा एफ, मान लीजिए डी यहाँ बैठा लेते हैं एफ यहाँ बैठा लेते हैं, तो एक आदमी कोई बचेगा, एक आदमी ए बच जाएगा, तो ए को बैठा लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या पूछा गया, हु इज द थर्ड टू द राइट ऑफ ए, थर्ड टू द राइट मतलब 1, 2, 3, आंसर हो जाएगा डी, देखिए तो डी दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए डी दिया हुआ है ना, सही आंसर आपने निकाल लिया।
आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है कि 1 जनवरी 2017 वाज बृहस्पतिवार है तो 31 मार्च क्या होगा उसी साल का। तो देखिए जनवरी से मार्च में जाना, जनवरी लीप ईयर नहीं है तो 14 दिन बचेगा क्या जनवरी में, 17 तारीख नहीं 1 तारीख बोला जा रहा है, मतलब जनवरी में 30 दिन बचेगा, इसके बाद भी फरवरी में 28 दिन होगा और मार्च में 31 दिन है। सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिएगा तो 89 हो जाएगा, 89 को 7 से भागा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, मतलब सबको ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको 7 से भागा देंगे तो 5 निकलेगा और जो भी दिन होगा उसमें 5 दिन ऐड कर देंगे, मतलब ट्रस्ट प्लस में 5। गुरुवार के 5 दिन आगे चले जाइए तो मंगलवार मिलेगा आपको, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा मंगलवार। तो क्वेश्चन दोस्तों आसान है, तरीका आपके पास होना चाहिए। आगे आगे दोस्तों देखिएगा सिलोलिज्म का क्वेश्चन है, ओनली 3 इसका आंसर है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को, छोटा करेंगे तो हो सकता है कि आप लोग को दिक्कत होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं छोटा नहीं करूंगा, यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि ऑल कैमल कैमल और डोंकी, तो पहले ऑल का फिगर बना लीजिए, कैमल को सीएम लिख लेते हैं, डंकी डीके लिख लेते हैं, डंकी मतलब डीके। उसके बाद बोला गया है कि सम कैट आर कैमल, कैमल के साथ क्या है कैट है, ठीक है, जिस तरह से बना लिए। ऑल डॉल्फिन आर कैट, मतलब डॉल्फिन डॉल्फिन डीएल लिख लिए, डॉल्फिन आर कैट ये बना लिया हमने। उसके बाद ऑल डॉल्फिन आर डंकी, डॉल्फिन यहाँ पे डंकी यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सम डॉल्फिन आर डंकी, डॉल्फिन यहाँ पे डंकी यहाँ पे है, तो ये भी सम का भी रिलेशन नहीं है, ऑल भी नहीं होगा सम भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ सम डंकी आर कैट है, डंकी यहाँ पे कैट यहाँ पे, देखिए इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, ये सही होगा। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि ऑल कैट आर डंकी, ऑल कैट कैट यहाँ पे है डंकी यहाँ पे, तो ऑल तो दिख ही नहीं रहा है तो ऑनली क्या हो जाएगा, ऑनली ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा यहाँ पे आपने अल्फाबेट का कोड निकालना है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन को मैं छोटा करूंगा, ठीक है। देखिए क्यू का कोड कितना होता है, 17 होता है, मैंने लिख दिया, ऐसे क्वेश्चन कोड को लिख के ही बनाए जाते हैं, थोड़ा सा स्पेस है हमारे पास, यहाँ भी स्पेस है। क्यू का कोड 17 होता है, एच का कोड 8 होता है, डी का कोड 4 होता है, एम का कोड 13 होता है, एन का 14 होता है, बी का 22 होता है, ठीक है। उसके बाद आई का 9 होता है, टी का 20 होता है और एन का 14 होता है, ठीक है। ई का 5 होता है, जेड का 26 होता है और आगे क्या लिखा है, एफ का 6 होता है, आखिरी जो बच गया ए का 1, 6 और यहाँ एक्स का 24। अब रिलेशन देखिए सबके बीच में, 17 से क्या हो गया 14, मतलब -3, 8 से क्या हो गया 22 हो गया, ठीक है, 8 से क्या हो गया यहाँ पे 22 हो गया, ठीक है ना, 8 से 22 नहीं हुआ है, एक मिनट हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, हम कुछ गलत कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए 17 से 13 हो गया, मतलब -4 यही हुआ है, 17 से 13, ठीक है, 8 से क्या हो गया 14 हो गया, +6, ठीक है, यही दिख रहा है +6 या अपोजिट नहीं हो रहा है, नहीं अपोजिट नहीं हो रहा है, 4 से क्या हो गया 22 हो गया, 4 से 22 तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आगे चला गया। मैंने कोड सही लिखा है कि नहीं सही लिखा है, क्यू एच डी, ठीक है, जी एच 8 ही होता है और ये कुछ हो रहा है। चलिए आगे को देखते हैं, ये हो गया -4, अभी तो सही जा रहा है -4, 20 से +6 ये भी सही है और 14 से 6 हो गया, ठीक है, 14 से 6 हो गया, 8 घटा लगभग। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे -4 करेंगे तो 27 में से 4 जाएगा तो 23 होगा, ये आपको दिख रहा है 23 से। उसके बाद यहाँ पे +6 करना है तो 12 हो जाएगा, तो W और L तो होगा, W L एक ही जगह दिया है, मतलब आंसर मिल गया,
WLP आपका आंसर होगा, बाकी कुछ भी हो हम लोग को नहीं पता है, WLP आंसर होगा, ठीक है? तो यही आपका आंसर होगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है? इस तरह से भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा और छोटा करूंगा ना तो ये आपको सोल्यूशन दिखेगा। राइस चार ऐड किए, तो उसके बाद हमने क्या किया, प्लस छह ऐड किया, उसके बाद हमने क्या किया, हम लोग को दिख लिया डब्ल्यू एल एक ही जगह आपको दिख रहा है ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिए, देखिए आपके पास कुछ बॉक्स है यहाँ पे, जिनको क्या करना है, अरेंज करना है पोजीशन के हिसाब से। देखिए लिखा गया है कि कुछ बॉक्स है तो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, बॉक्स एम इज प्लेस्ड अबव एन, तो कितने बॉक्स है, पांच, तो रैंकिंग दीजिए 5, 4, 3, 2, 1। एन इज अबव है, बॉक्स है एम इज प्लेस्ड अबव, एम जो है एन से ऊपर है, बॉक्स ओ इज प्लेस्ड बिलो के, ओ जो है के से नीचे है, ओ बिलो के, के से नीचे ओ है, ये लिखा हुआ है के से नीचे ओ है, के ओ, ठीक है, लिखा हुआ है ना, बॉक्स ओ इज प्लेस्ड बिलो के, एन इज बॉक्स एन इज अबव के, एन इज अबव के मतलब के यहाँ पे ओ यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को हमने मिला दिया क्योंकि आगे जाके वही चीज बोला गया है, बॉक्स एल इज प्लेस्ड बिलो ओ, तो एल यहाँ पे हो जाएगा, ये भी अरेंज हो गया, अब तो कुछ करना ही नहीं है, सब अरेंज है, एम एन के ओ एल। पूछा क्या गया था आपके पास, पूछा गया था कि हु अमंग द फॉलोइंग बॉटम, बॉटम में कौन है, एल, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एल। चलिए अगला क्वेश्चन, 11-8, तो 11-8 है, देखिए कुछ नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया, 11 गुना में 8 88, 9 गुना में 5 45, दोनों को घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 11 गुना में 8 88 माइनस 45, 9 5 45, घटाएंगे 43 आ जाएगा, 9 12 9 12 9 कितना होता है, 12 का 12 12 9 108 होता है, ठीक है, और 9 7 63 होता है, यहाँ पे 12 9 108 है और 7 6 42 होता है, सॉरी 7 6 42 होता है, 7 और 6 को गुना करेंगे, उसी तरह आप 14 गुना में 13 कीजिएगा तो 14 गुना में 13 कितना हो जाएगा, 13 13 169 हो जाएगा और 182 हो जाएगा, 182 माइनस 90 मतलब 92। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, आगे 30 को हटा दीजिए, ऑल सेट, यहां लिखा गया है, छोटा क्वेश्चन करना होगा मुझे, देखिए ऑल सालसा आर जाज, यहां देखिए ऑल का फिगर बना लीजिए, सालसा और जाज, ये नहीं दिख रहा आपको तो साइड में कर देते हैं, ऑल सालसा और जाज, ठीक है, उसके बाद नो जाज इज कथक, नो जाज इज कथक, कथक नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, सम जाज इज सालसा, सम जाज इज सालसा, सम जाज इज सालसा, ये है सही हो जाएगा, नो सालसा इज कथक, सालसा जब जांच कथक नहीं है तो ये कैसे होगा, तो ओनली वन हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बोथ हो रहा है, बट फिर से हम देख लेते हैं क्या लिखा है, ऑल सालसा इज जाज, ऑल सालसा जो है जाज है, ये सही है, नो जाज इज कथक, नो जाज इज कथक, हाँ तो ये सही तो है ना, कि जब जाज के बीच में नो रिलेशन है तो सालसा भी नो का रिलेशन होगा, तो यहाँ बोथ होगा, सही तो है, मैंने गलत देख लिया था, सही होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ। आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पे अगला क्वेश्चन,
ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फाइव मतलब ग्रुप ऑफ फाइव गर्ल इच हैविंग डिफरेंट हाइट है, अलग अलग हाइट है, अब कौन शॉर्टर है ये आपको बताना है, उनमें से आपको बताना है कि कौन शॉर्टर है ये आपको बताना है। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। शॉर्टर आपको बताना है, तो हम क्या करते हैं ना, ऐसा ही के बना लेते हैं, पांच लड़कियां हैं ऐसा करके बना लेते हैं, 5 4 3 2 1 ऐसे करके बना लीजिए, जल्दी बन जाएगा। अब यहाँ बोला गया है कि फाइव गर्ल ऑफ ए ग्रुप, ठीक है, इच हैविंग, थोड़ा सा जूम किया जा सकता है ना इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा जूम ही कर देते हैं, ठीक है, अच्छे से दिखेगा आप लोग को। मैं जो फिगर हूँ, फिगर है ना, यहाँ पे बना लेता हूँ, 5 4 3 2 1, ठीक है। इच हैविंग ए डिफरेंट हाइट, एच इज शॉर्टर देन ई, एच इज शॉर्टर देन ई, एच इज शॉर्टर देन ई, ई से शॉर्टर एच है, एच इज शॉर्टर देन ई, ठीक है, एच इज शॉर्टर देन ई, मतलब एच नीचे होगा ई ऊपर होगा, ओनली, क्या लिखा है, एच इज शॉर्टर देन ई ओनली, मतलब एच जो है ई से केवल छोटा है, ये बोला गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, एच इज शॉर्टर देन ई ओनली, मतलब केवल ई से छोटा है, बाकी सब से क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, एच इज शॉर्टर देन ई ओनली, मतलब ई ओनली, तो एच ई से केवल छोटा है बाकी सबसे लंबा है, कहने का तो मतलब यही होगा कि ई सबसे लंबा है तब, ठीक है। उसके बाद एफ इज नॉट टॉल, एफ इज नॉट टॉल एज बी, मतलब एफ इज नॉट टॉल एज बी, तो कहने का मतलब एफ इज नॉट टॉल एज पी, मतलब पी ऊपर हो जाएगा एफ नीचे हो जाएगा, पी एफ नीचे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, पी इज शॉर्टर देन जी, पी जो है जी से छोटा है, कहने का मतलब जी पी एफ, ठीक है, ये तो बैठ गया जी पी एफ बैठ गया, अब क्या बैठाना है इसमें, क्या पूछा गया है कि हु इज शॉर्टेस्ट अमाउंट, तो शॉर्टेस्ट कौन हो रहा है, एफ हो रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है, आसानी से बना। आगे देखिए, आगे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगता है कि मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग को बता दिया, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहा है, अब जो क्वेश्चन है वो दोस्तों रिपीट हो रहा है, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने रीजनिंग के देख लिए। अगर ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, और लेवल सिक्स का सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है वो मैं अगले क्लास में लेके आऊंगा, ठीक है। तो लेवल सिक्स का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया, अब सेकेंड शिफ्ट के पेपर को हम सॉल्व करेंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए थैंक यू, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।